थोड़ा सा आप लोग थोड़ा एक साइड आ जाओ, आप लोग इस साइड आ जाओ, सारे एक साइड आ जाओ। हाँ बिल्कुल बारामूला के तमाम अजीज़ो खास, मेरे दिल के अजीज बाशिंदो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु, आदाब सत श्री अकाल नमस्कार। पर्सनली मेरे लिए ये बहुत ही इमोशनल पल है और फ़ख्र की भी बात है, क्योंकि किसी पुलिस वाले को तैनाती के बाद आम लोग मिलकर अलविदाई तकरीब दे, ये कश्मीर में रोज़ाना नहीं होता। मैं अगर बारामूला से कुछ कमा के जा रहा हूं तो वो ये आपका प्यार है, और मैं इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं। बहुत ही ज़्यादा मैं इस वक्त इमोशनल भी हूं, क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हर पुलिस वाले की ज़िंदगी में ये पल आते हैं जब वो कहीं जाता है, नई तैनाती लेता है, एक दो साल ड्यूटी करने के बाद किसी और जगह चला जाता है, ये एक दस्तूर है हमारी नौकरी का। लेकिन बारामूला ने जो मुझे प्यार और मोहब्बत दी उसको मैं हमेशा याद रखूंगा। मेरे दिल के कोने में संदूक की तरह ये हिफाजत मैंने इस चीज़ की है और इसको रखा है संभाल कर। आपने बहुत सारी चीज़ें कही यहाँ पर कि पुलिस ने ऐसे काम किए, अच्छे काम किए, ये किया वो किया, लेकिन मैं हमेशा अपने अफसरों को भी कहता आया हूँ कि पुलिस की जो ताकत है वो हमारे हथियार नहीं है या हमारे फौज नहीं है, जितने हमारे लोग जवान हैं वो हमारी ताकत नहीं है, या ये वर्दी ये हमारी ताकत नहीं है। हमारी ताकत है आप जो हम पे एतबार करते हैं, आम लोग जो हम पे विश्वास रखते हैं, वो हमारी ताकत है। इसी ताकत की बलबूते पे एक पुलिस का सिपाही या एक पुलिस का जवान भी रोड पर खड़ा रहकर लोगों को क्या सही है क्या गलत है इसकी नसीहत हक के साथ एतबार के साथ कर सकता है, क्योंकि लोग उस पे भरोसा करते, लोग उसको इतना मानते हैं, उनको विश्वास है कि मैं इसके पास जाऊंगा तो मेरा मसला हल हो जाएगा, मेरी मुसीबत हल हो जाएगी, मुझे अपने परेशानी से जो है निजात मिलेगी। ये जो ट्रस्ट आम लोग पुलिस वालों पे करते हैं ये हमारी असली ताकत, और इसी ताकत के बलबूते पर पिछले 1.5 साल से हमने जो भी आपकी खिदमत की और उसमें हमें जो भी कामयाबी मिली ऊपर वाले के फजल से, वो इसी ताकत के बलबूते, आप लोगों ने जो हम पर विश्वास जताया, आप लोगों ने जो एतबार किया हम पे, उसी वजह से हम आज फख्र के साथ कह सकते हैं कि बारामूला एक ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट बन रहा है। आप सब ने यहाँ पर नोटिस किया कि बारामूला में ड्रग्स का प्रॉब्लम था, पूरी यूटी में जो है इसको समस्या को हम फेस कर रहे हैं, लेकिन बारामूला का सक्सेस स्टोरी जो है, अगर कोई पूछेगा कि इसकी सक्सेस स्टोरी का राज क्या है, उसका एक ही जवाब है कि पुलिस और पब्लिक का रिश्ता। इसी एक चीज पे आज हमारे बारामूला पुलिस की जो पूरी ड्रग फ्री बारामूला का जो मदार खड़ी है, इमारत जो खड़ी है, उसकी संगे बुनियाद जो है वो यही रिश्ता है, और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि ये रिश्ता आए दिन जो है इसमें इजाफा होता रहे और मजबूत होता। आप सब ने, फिर वो हमारे मीडिया बिरादरी के लोग हो, हमारे ट्रेडर्स हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, हमारे दीनी इदारों के जो हमारे मौलवी साहिबान है, ग्रंथी साहिबान, सब ने, हर एक ने जो है अपना किरदार निभाया और लोगों को ये एहसास कराया कि अगर पुलिस और अवाम ठान ले तो कोई भी समस्या हल की जा सकती है।
और उसका एक लाइव एग्जांपल है बर। मेरे पास नेशनल न्यूज चैनल से, नेशनल न्यूज़पेपर से जर्नलिस्ट आते हैं और पूछते हैं कि आपने बारामूला में ये कैसे किया, इतना ड्रग्स कंट्रोल में कैसे आया बारामूला। भले ही मैं उनको आंकड़े गिनाता हूं कि हमने इतने पर्चे दिए, इतने लोग गिरफ्तार किए, इतना ड्रग्स सीज किए, लेकिन एक चीज मैं उनको बार बार दोहराता हूं कि बारामूला के लोगों ने यह ठान लिया कि हमें ड्रग्स से निजात करनी है और इस वजह से जो है बारामूला में यह स्थिति में सुधार आया है। अगर बारामूला के आम लोगों का साथ ना होता, पुलिस तो हर जगह मेहनत कर रही है, हर जिले में, जम्मू कश्मीर के हर जिले में पुलिस जो है इतनी ही लगन से मेहनत करती है जितनी हम कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी बारामूला में हमें मिली इसकी वजह आप। अब मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, यही आप सबसे गुजारिश रहेगी कि मेरे जो सक्सेसर आ रहे हैं श्री गुरिंदर पाल सिंह मेरे भाई है, मेरे बैचमेट है, उनको भी आप ऐसा ही तावन करें, उनके साथ उनका भी आप हाथ थामे और उनको भी जो है कामयाबी की सीढ़ी चढ़ाए, क्योंकि उनके साथ मिलकर जो जंग थोड़ी सी हमारी अधूरी रह गई, क्योंकि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि अभी भी कुछ अनासर बाकी है समाज में जिनका हिसाब करना बाकी है, उनको हम ढूंढ ढूंढ के सलाखों के पीछे करेंगे, कानून के दायरे में लाएंगे और उसके लिए आपके साथ की जरूरत पड़ेगी। हमने पिछले 1.5-2 साल में बारामूला में बहुत सारे जो है अप्स एंड डाउन्स देखे, बहुत ऐसे कठिन जो है समय, कठिन प्रसंग भी आए जहां पे आम लोगों ने जो है पुलिस को अपना सहारा दिया, अपना साथ दिया और हर वो मुश्किल घड़ी जो है वो हमने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से उससे हम सेल थ्रू हो गए। इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आपने हर उस मौके पर हमें कोऑपरेट किया, जब जब हमने आपके पास कोऑपरेशन की उम्मीद की आप बढ़ चढ़ कर जो है आप उसमें आगे आए, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। पुलिस को आपने अपना माना, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी। अगर जाने वाले SSP, आने वाले SSP को हर कोई सलाम करता है, हर कोई उसके दफ्तर जाता है, मुबारकबाद देता है, लेकिन जाने वाले SSP को आपने यहाँ पर बुला के इतनी इज्जत बख्शी, इसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है, इसकी कोई मिसाल नहीं। और ये इज्जत अफजाई मैं हमेशा अपने दिल में संजो के रखूंगा, और ये सिर्फ मेरी इज्जत अफजाई नहीं, ये मेरे हर उस पुलिस अफसर की, हर उस पुलिस जवान की इज्जत अफजाई है, हौसला अफजाई है, जो दिन रात जो है आपको सड़क पे खड़ा दिखता है, हर वो छोटा से छोटा हमारा जवान SPO रैंक का मुलाजिम जो रोड पर रात में, दिन में, धूप में, बर्फ में आपकी खिदमत के लिए खड़ा है, ये उस हर जवान की हौसला अफजाई है, उसकी इज्जत अफजाई है। इतनी इज्जत आप हमें दे रहे हैं, मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि वो आपको खुशहाल रखे, आबाद रखे, सेहतमंद रखे, आपके आयाल को, आपके आने वाली नस्लों को बुलंद करे और आपकी बुलंदी इस मुल्क की बुलंदी बने, ताकि हमारे हिंदुस्तान का आजाद तिरंगा जो है वो इन फिजाओं में ऐसे ही लहराता रहे जैसे हम देखा तिरंगा रैलीज हर चप्पे चप्पे में, हर मोहल्ले में, हर गली कोचे में हमने तिरंगा रैलीज करी, उसमें हर आम शहरी जो है उसमें शिरकत की है उसने, जैसे यहाँ पर बताया परमजीत साहब ने कि हमने ईद पे भी लोगों के साथ मिठाइयाँ खाई, हमने नगर कीर्तन में भी लोगों के साथ प्रसाद खाया, हम जन्माष्टमी के जो है उत्सव में भी शामिल हुए, हमने क्रिसमस भी मनाया। इतना एतिहाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एतिहाद, ये पूरी दुनिया के लिए मिसाल है जो बारामूला दे रहा है। आज दुनिया भर में जो है हालात, कहीं कोई लड़ाई हो रही है, कहीं कोई जंग हो रही है, उन सब के लिए अमन का पैगाम जो है वो बारामूला देता है। और मुझे बहुत ही ज्यादा फख्र है कि मैं इस जिले का SSP रहा, ये मेरे करियर में मैं सुवर्ण अक्षरों में इस चीज की दर्ज करता हूं कि मुझे यहां पर खिदमत करने का मौका मिला। जाबाज वली साहब की जियारत का मुझे, उनके दीदार करने का मौका मिला, मुझे माता शैलपुत्री के दर्शन करने का मौका मिला, मुझे गुरुद्वारा छठी पातशाही में जो है मत्था टेकने का मौका मिला, इससे बड़ी और चीज क्या हो सकती। यहाँ के हिंदू ने, यहाँ के मुसलमान ने, यहाँ के सिख ने, यहाँ के ईसाई ने, हर एक ने जो है पुलिस का साथ दिया है,
और ये सच में पूरी दुनिया को जो है सीख लेनी चाहिए बारामुल्ला से कि चाहे जैसी घड़ी आए, चाहे जैसा वक्त बुरा आए, लेकिन हम अपना भाईचारा, अपना प्यार नहीं भूलेंगे। आपकी यही प्यारी यादें, यही मोहब्बत अपने दिल में समाकर मैं अपनी अगली तैनाती पे जा रहा हूँ। हमारी यूटी छोटी सी जगह है, हम सब जो है आपस में एक दूसरे को मिलते रहते हैं आए दिन। कभी आप आए बारामुल्ला से उधमपुर की तरफ तो जरूर मुझे याद कीजिएगा, मैं आपकी मुलाकात का हमेशा जो है इंतजार करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ मीडिया के हमारे भाइयों ने अपना मोहब्बत का तोहफा लाया, ये एसएसपी साहब को देना चाहते हैं। हाँ। मामू जी साहब भैया लाओ लाओ, चलो मामू जी सही कर दो। Thank you.